नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फिर मैं एक बार जानकारी लेके आया हूँ HSSC के रिजल्ट से संबंधित। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन अभी बैक टू बैक है, जो अपनी पेंडिंग रिजल्ट है वो जारी कर रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में अभी जल्दी से जो पेंडिंग एग्जाम है वो भी करवाएंगे, जैसे ग्राम सचिव है, पटवारी है, और अन्य स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो पुलिस के एग्जाम होने हैं, कांस्टेबल के, वो भी शायद अभी आने वाले नवंबर और दिसंबर में ही होंगे। तो अभी मैं ये जानकारी लेके आया, वो है नए रिजल्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2015 की है। चलो देखते हैं कि इसमें जो किसके बारे में जानकारी दी गई है। मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये जानकारी है जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की, ये स्टेनोटाइपिस्ट बोथ लैंग्वेज, पहले मैंने हिंदी और इंग्लिश की जो वीडियो अपलोड की है ये है बोथ लैंग्वेजेस, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की रहेगी। जो बाइलिंगुअल है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2015 कैटेगरी नंबर 3 के अंतर्गत, और यह नोटिफिकेशन था 18 सितंबर 2019 का। इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो है 307 पोस्ट। कैटेगरी वाइज जो जनरल वेटिंग है वो दी गई है, ये रोल नंबर है जो जनरल वेटिंग कैंडिडेट्स हैं, और EBPGC के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये रोल नंबर है, और EBPGC वेटिंग के अंडर गए जो ये कैंडिडेट्स दिए गए हैं जिनके रोल नंबर है। तो कृपया ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से इसमें कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, और आप समय रहते हैं जो अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स है जो कंप्लीट कर लीजिए। एक्स सर्विसमैन जनरल के भी इसमें जो 4 कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर दिए गए हैं, 23 पोस्ट है, और OSP जनरल्स के लिए जो एक पोस्ट है उसके लिए जो रोल नंबर दिया गया है आपको। ये जो क्राइटेरिया है अडॉप्टेड किया गया है सेम जो हिंदी और इंग्लिश में अडॉप्टेड किया गया था, वैसे इसमें अडॉप्ट किया गया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन है जो 200 मार्क्स का है, इंटरव्यू है जो 25 मार्क्स है, टोटल है 225 मार्क्स। इसी के आधार पर है जो ये सिलेक्शन लिस्ट है जो जारी हुई है, फाइनल रिजल्ट है जो जारी किया गया है। जैसे कि मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूँ, वैसे आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से संबंधित अन्य जानकारी देता रहूंगा, जो भी नई एग्जाम है जो अभी आने वाले हैं उनसे संबंधित, कब उनके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे इनके बारे में, और कब एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में, और नए नए रिजल्ट जो अदर डिपार्टमेंट्स के हैं, जैसे आपके SSC के भी होते हैं और बैंकिंग सेक्टर के भी होते हैं, उनके बारे में भी मैं जानकारी देता रहूंगा। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।